अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आ गए हैं वापस से फिर एक और नया व्लॉग लेकर, और आज हमारे पास जो है वो ज़्यादातर कस्टमाइज की चीज़ें हैं। अच्छा, ये इस तरह की डायरी मैं आपको पहले भी जो है वो दिखा चुकी हूँ, तो फ़िलहाल अभी हमारे पास एक ये आइटम भी है, ये हमारे पास कस्टमाइज डायरी है। ठीक है, इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे और इस पर फ़िलहाल किसी ने लिखवाया है सिली अपनी फ्रेंड के लिए, तो ये ब्लैक कलर में, इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ये कस्टमाइज मग है। ठीक है, ये देखें, इसमें आप कोई भी पिक्चर जो है वो अपनी लगवा सकते हैं, ये देखिए, और कुछ भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है वो है एक ही कुशन, इसमें ये फिलिंग वाला भी मिलता है, और अगर आपको खाली कवर चाहिए तो आपको कवर भी मिल जाएगा। अच्छा, ये डबल साइडेड भी होता है, आप यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सिंगल कुशन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो तो बैक साइड जो है वो छुप जाती है। ठीक है, तो ये अभी है, इसके नीचे भी इन्होंने जो है वो लिखवाया है, तो एक हमारे पास है ये सिंगल कैनवस कुशन के नाम से होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फोर साइडेड जो है वो कुशन है, ये देखिए, ये इस तरह से है, इसमें ये जिप लगी हुई होती है। ठीक है, ये देखिए, हम इस जिप को जो है वो खोलेंगे, और इसके अंदर भी जो है वो, जैसे मैं आपको बताई थी कि वो भी टू साइडेड बन सकता है, ये फोर साइडेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव माई हस्बैंड। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आई लव माई वाइफ। ठीक है, अंदर जो है इस तरह से जो है वो पिक्चर्स शो की हुई है। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है वो ये है। इसके अलावा हमारे पास जो है एज अ गिफ्ट के तौर पे जो है ये थ्री पीस का हमारे पास सेट होता है, टू पीस का सेट भी बन जाता है। अगर आपको खाली वॉलेट बनवाने, वॉलेट बन जाएगा, वॉलेट किचन बनवाने, वॉलेट किचन बन जाएगा, और थर्ड वन के साथ में अगर आप ये पेन भी बनवाना चाहें तो पेन भी बन जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास दो सेट आए हुए हैं, एक है ये देखिए अली रज़ा के नाम का, और अली रज़ा के नाम का वॉलेट और कीचेन भी है। ठीक है, ये थ्री पीस का सेट है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक और सेट आया हुआ है। ठीक है, और ये भी सेम कलर सेम डिज़ाइन है, जिस नाम का फ़र्क है, इसमें है फजल अब्बास। ठीक है, सही है ना, ये फजल अब्बास के नाम का है, और इसमें पेन में भी वही है, कीचेन और वॉलेट पे भी वही है। अच्छा, मैं आपको एक और जो है वो बर्थडे के हवाले से गिफ्ट या एनिवर्सरी के हवाले से गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहें तो देखें, ये ऊपर आया हुआ है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, नाम लिखा हुआ है, फिर उनका मंथ है, और जिस डेट को उनकी एनिवर्सरी हुई थी वो डेट है। तो ये तो अभी खाली जो है ये बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा आप हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं, और उसका जो है वो नाम आ जाएगा, और फिर नीचे उसकी डेट को आप जो है वो हाईलाइट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये मॉडिफाई हुआ है। अच्छा, ये भी गिफ्ट पैक की ही तरह है, ये इस तरह से एक्रेलिक पर है, और ये इस तरह से इसमें फिक्स हो जाता है। ठीक है, फिक्स होने के बाद जो है इसमें लाइट भी जलती है, वो मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। ठीक है ना, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से जो है वो जब आप इसे प्लग ऑन करेंगे तो ये इसके अंदर से लाइट जलेगी। ठीक है, ये एज अ साइड लैम्प जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसमें ये देखिए इस तरह से जो ये लाइट जलती है। ठीक है ना, ये देखें, सही है, ये इस तरह से है। इसमें आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है फिलहाल ये, और आप इसमें हैप्पी बर्थडे भी लिखवा सकते हैं या कुछ भी, और ये अलग से होता है, और इसका जो है ये मशीन अलग से है। ठीक है, जो कि वायर के साथ आ रही है ये। ठीक है, और आप इसे जो है वो बेड के साथ इसे जो है वो प्लग कर सकते हैं, एज अ साइड लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, हमारे पास है वॉल क्लॉक। ठीक है, वॉल क्लॉक भी आप जो है वो अपने लिए, अपने रूम के लिए, बेडरूम के लिए जो है वो बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
ये देखें, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रजा लिखा हुआ है, नीचे भी नाम लिखा हुआ है, ये वॉल क्लॉक है, ये देखें, ठीक है, ये रही वॉल क्लॉक, ये देखिए, ये इस तरह से लेज़र कटिंग को बनी हुई होती है। बैक से इसकी मशीन लगी हुई है, ठीक है, बस रेडी होती है, बस में आप सेल लगाएं और जो है वो हैंग कर दें। ये कुछ इस तरह से होती है, देखिए, ठीक है, बॉक्स पैकिंग में होती है, आप इसे बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो विंटर कलेक्शन में मैंने आपको जैकेट्स दिखाई थी, और मैंने आपको जो है वो अपनी पिछली वीडियो अगर आप मेरी जाके देखेंगे तो उसमें मैंने ट्रैक सूट्स दिखाए थे, ठीक है, कुछ सॉक्स मटेरियल भी दिखाए थे। अच्छा, ये जो है ये लेडीज़ के हिसाब से है, ये देखिए, इसके अंदर जो है वो फर लगा हुआ है, ठीक है, ये, और ये ऊपर से बहुत ही मोटा स्टफ़ है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आप इसे जितना भी स्ट्रेच करना चाहें स्ट्रेच कर सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, ये देखिए। अच्छा, और अगर आप इसे वैसे भी पहनना चाहें उल्टा करके, तो ये उल्टा करके भी पहन सकते हैं, ये देखिए, इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि वो आपको लगे कि जी ये उल्टा है, ठीक है, ये देखिए, कहीं से कोई ज्वाइंट वगैरह भी नहीं है, ये देखें, आप दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो दो कलर्स हैं, एक हमारे पास जो है वो स्किन कलर में अवेलेबल है, अच्छा, इसके अलावा एक हमारे पास ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है, मैं आपको बताती हूँ, ये चमड़े में भी है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, ये क्वालिटी चेक करिए। अच्छा, ये सिंगल नहीं है, डबल है, इसके अंदर एक और है, ठीक है, ये देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब ये आराम से आप स्ट्रेच करके जो है वो जितना भी बड़ा पैर है आप इसे आराम से पहन सकते हैं, चेक करें, बहुत ही फाइन क्वालिटी और बहुत ही फाइन स्टिचिंग के साथ है, ठीक है। और स्कार्फ है सादे बिल्कुल शिफॉन के दुपट्टे, एज अ जो स्ट्रॉलर लड़कियाँ यूज़ कर रही होती हैं, फिलहाल अभी हमारे पास ब्लैक में है और बेबी पिंक कलर में है, ये दो कलर्स में हमारे पास है। परफ्यूम भी होता है हमारे पास, बॉक्स पैकिंग का भी होता है, और आपको कस्टम क्लियरेंस वाला जो ओरिजिनल परफ्यूम होते हैं दुबई के और फ्रांस वगैरह के जो होते हैं परफ्यूम, वो भी आपको मिल जाएंगे, और वो तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होते हैं, मिनिमम लास्टिंग 8 आवर्स से 12 आवर्स भी होती है, ये तकरीबन 12 आवर्स वाला है, ठीक है, ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं, और ये है मेड इन UAE, आपको नज़र आ रहा होगा, मेड इन UAE का है और बहुत अच्छा परफ्यूम होता है। ये हमारे पास शूज़ हैं, ठीक है, ये देखें, ये शूज़ हैं हमारे पास जो आजकल चल रहे हैं लड़कियों के लिए, ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है एक ब्लू कलर का स्कार्फ है, उस पर पर्ल लगा हुआ है, डुअल पर्ल स्कार्फ है ये। ये हमारे पास जो है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ग्लव्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्लव्स है, हाफ ग्लव्स है, थोड़ा सा फैशनेट ग्लव है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से है, ये आपका थंब जो है वो इसका उन्होंने दिया हुआ है, और ये इस तरह से है, ठीक है, ये देखें, ये फर वाला है, ठीक है, क्वालिटी बेस्ट है इसकी, ऊन है नीचे और ऊपर से ये फर एज अ डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है, इसमें भी आपको कलर्स जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, इसमें 5-in-1 लिपस्टिक भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत ही जो है वो रिजनेबल प्राइस में होती है, ये है 5-in-1 लिपस्टिक, चेक करें आप, इसमें कलर्स दिए हुए, ठीक है, जो भी आपको शेड यूज़ करना है, अगर आप कोई वाला शेड यूज़ कर लिया है या कोई नेक्स्ट शेड आपने यूज़ करना है तो आप ये जो है शेड हटा दें, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से कर दें तो फिर आपके पास ये दूसरा नया शेड आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास विंटर कलेक्शन की एक बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यारी सी चीज़ है, आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे पास जो है वो वेलवेट शॉल, वेलवेट शॉल्स नॉर्मल वाली भी होती है हमारे पास, थोड़ी
थोड़ी धागे और जरी के काम की भी होती है, ठीक है, रिजनेबल प्राइस में। लेकिन आज जो हमारे पास वेलवेट शॉल है वो बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी में है, जिसमें जो है वो काम हुआ हुआ है सितारे का भी, ठीक है। जी देखिए, इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छी और मोटी जो है वो शॉल है। ये दोनों ही साइडेड पर है, चौड़ा बॉर्डर है, ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा रुआ इसलिए चिपका है क्योंकि जो है ये थोड़ा वेलवेट है, ठीक है। और ये देखिए नीचे से कि इसकी क्वालिटी कपड़ा, ये देखिए, इसमें भी आपको कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसमें इसका ब्लू, ब्लैक, मरून, ये तीन कलर्स आपको मिल जाएंगे। और हमारे पास ये मेंस शॉल भी मिल जाएगी आपको, इसकी क्वालिटी आप देखें, गरम शॉल है ये, इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये देखिए ये नीचे का है इस शॉल के, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लगे हुए हैं, और ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए ये साइड्स पे इसकी किनारियाँ भी बनी हुई हैं, तो फिलहाल अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है। और अभी तक के लिए फ़िलहाल यही चीज़ थी, अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग इन चीज़ों के साथ आएगा। तो एज़ यूजुअल मैं यही कहूँगी कि हमें अभी नहीं पता कि किस चीज़ का ऑर्डर हमारे पास आता है और किस चीज़ का नहीं, रैंडमली वही दोबारा से चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं हमारे पास, लेकिन ये कि हम लोग वो चीज़ रिपीट बार बार नहीं कर रहे होते क्योंकि ऑलरेडी हम वो चीज़ दिखा चुके होते हैं अपनी व्लॉग में, ठीक है। तो जो हमारे पास नया आइटम होता है और हमारा जो है वो उसका व्लॉग नहीं बना हुआ होता, ठीक है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसी हिसाब से जो है वो नया व्लॉग बनाएं, क्योंकि हमारे पास डेली रूटीन में वही सेम चीज़ें भी आ रही होती हैं और कुछ न्यू चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो फिलहाल अभी हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।